अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एरियल स्टेम्स एंड इट्स टाइप्स। तो एरियल स्टेम्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से जाहिर है, ये जो एरियल स्टेम होते हैं ये ग्रो होते हैं अबाउ द ग्राउंड और ये एक्सपोज होते हैं टू एयर। ये जो एरियल स्टेम्स होते हैं ये ग्रो होते हैं अबाउ द ग्राउंड और एक्सपोज होते हैं टू एयर, मतलब के लोकेटेड होते हैं एयर में। तो इस चीज को एरियल स्टेम का नाम दिया है। एरियल स्टेम जो है इसके थ्री मेन टाइप हैं। फर्स्ट है रिड्यूस स्टेम, सेकंड है एरेक्ट स्टेम और थर्ड वन है विंग स्टेम। तो रिड्यूस स्टेम क्या होते हैं? दे आर वेरी मच स्मॉल इन साइज। ये साइज में इंतहाई स्मॉल होते हैं, ग्रीन होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ये जो रिड्यूस स्टेम होते हैं इसमें हम नोड्स एंड इंटर नोड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नोड्स कहाँ पर हैं, इंटर नोड्स कहाँ पर हैं, क्योंकि ये खुद इंतहाई स्मॉल होते हैं साइज में। इसकी जो एग्जांपल है वो है रेडिश स्टेम, टर्निप स्टेम, कैरोटा स्टेम। रेडिश का स्टेम किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ रेडिश का क्या है? रूट है। तो इस रूट से यहाँ पर इस तरह स्टेम जो है वो अराइज हो जाता है, जो साइज में इंतहाई स्मॉल होता है, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस स्टेम। और इसे पीरा लीव जो है वो अराइज हो जाते हैं। इसी तरह जो टर्निप का स्टेम होता है, फॉर एग्जांपल ये टर्निप का क्या है? रूट है। तो टर्निप के रूट से यहाँ पर इस तरह स्टेम जो वो अराइज हो जाता है, जो स्मॉल होता है साइज में, इसको फिर हम कहते हैं रिड्यूस स्टेम। और इससे फिर क्या हो जाते हैं? लीव जो वो अराइज हो जाते हैं। कैरोट का भी तकरीबन इस तरह होता है। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, रिड्यूस स्टेम से जो लीव अराइज हो जाते हैं वो हमें इस तरह नजर आते हैं जैसे कि डायरेक्टली रूट से अराइज हुए हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लीफ है जो इस स्टेम से अराइज हुए हैं, यहाँ पर जो इस स्टेम से अराइज हुए हैं, तो ये जो लीव्स है ये हमें इस तरह नजर आते हैं जैसे कि रूट से डायरेक्टली अराइज हुए हैं। तो ये हुआ रिड्यूस स्टेम। सेकेंड जो वो है एरेक्ट स्टेम। तो एरेक्ट स्टेम जो है जैसे कि नाम से जाहिर है, ये जो स्टेम होते हैं ये दीग होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें अपवर्ड ग्रो होने की एबिलिटी होती है, यानी कि ये खुद इरेक्ट हो सकते हैं और नोड्स एंड इंटर नोड्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ये जो इरेक्ट स्टेम होते हैं इसमें हम नोड्स एंड इंटर नोड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये नोड्स हैं और ये इंटर नोड्स हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है ट्रीज। जितने भी ट्रीज के स्टेम है वो क्या है? इरेक्ट स्टेम है। थर्ड जो टाइप है वो है वीक स्टेम। तो जैसे कि नाम से जाहिर है दे आर वेरी मच वीक। ये जो वीक स्टेम होते हैं वो इंतहाई क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, अनेबल टू ग्रो इरेक्ट। इसमें अपवर्ड ग्रो होने की एबिलिटी नहीं होती, ये खुद इरेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं? ये दूसरे प्लांट या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ चिमट जाते हैं या ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो स्टेम होती है इसको हम कहते हैं क्लिम्बिंग आर ट्रेलिंग स्टेम। और वो प्लांट जिसमें ये क्लिम्बिंग आर
ट्रेलिंगा स्टेम होते हैं उसको हम कहते हैं क्लिम्बर्स आर ट्रेलर्स। तो ये हुए एरियल स्टेम्स एंड इस टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।